नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम खोआ लिया है। इसके अंदर हमें ऐड कर लेना है 60 ml यानी 1/4 कप मैदा। 250 ग्राम में 1/4 कप मैदा ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर और तीनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करना है इसे और आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का थोड़ा सा ये टाइट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 चम्मच बस। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा नहीं तो गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें डो तैयार कर लेना है। 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। ये देख सकते हैं डो, इसको मैं टच करके दिखा दूं। ये देखिए टाइट है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है कि गीला हो जाए। फिर एक गमले ले लेंगे। गमले के अंदर मैंने 1 ग्लास और 1/2 ग्लास ऐड किया है पानी। और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे चीनी, 250 ग्राम चीनी। फिर दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम पे चढ़ा देंगे। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे केसर, जिससे कि इसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर सा आता है। अब आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और हमारी चीनी जो है वो भी गल चुकी है। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो आप देख सकते हो एकदम ये गाढ़ा होने लगा है। तो अब इसे हम चेक करेंगे कि हमें कैसी चाशनी चाहिए। चाशनी के अंदर तार नहीं बनना चाहिए, सिर्फ ये चाशनी हल्की हल्की सरक रही हो दोनों हाथों को ऐसे टच करने पे, चिपके नहीं, ना ही तार बने, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, सिर्फ सरके आपके हाथों से बस ऐसी चाहिए। देख सकते हो आप चाशनी कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो हमने जो बैटर तैयार किया था उसे इस तरीके से लेना है, थोड़ा थोड़ा जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से गोल करने के बाद बीच में हल्का प्रेशर दबाने में उसमें किशमिश ऐड करना है। आप चाहो तो इलायची दाना भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो इस तरीके से देख सकते हैं बना लेना है। मैं आपको एक और बार बना के दिखा देती हूँ कि इसे हमें किस तरीके से बनाना है एग्जैक्ट। बहुत ईजी होता है बनाना, देखिए थोड़ा समय लेना है। लेने व हल्का घुमा के इसे बीच में प्रेस किया, किशमिश को रखा, फिर उसे कवर अप करते हुए ऐसे से गोल गोल घुमा लेंगे और एकदम इसे हल्का सा प्रेशर देते हुए घुमाएंगे ना, तो जिससे इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं रहेगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा। फिर लास्ट में इस तरीके से हमें कर लेना है ताकि सॉफ्टनेस और एकदम गोल गोल बन जाए। इसी प्रोसेस से और गुलाब जामुन को हम रेडी कर लेंगे। बहुत ईजी है, ये देख सकते हैं कितने आसानी से बन जा रहा है। इसी तरीके से हमें और गुलाब जामुन को भी बना लेना है, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया एकदम हाई फ्लेम पे। फिर इस हाई फ्लेम करके इसमें हम ऐड कर लेंगे गुलाब जामुन को इस तरीके से। फिर गुलाब जामुन ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, बिकॉज़ अगर हाई फ्लेम करेंगे तो अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा, बाहर से ही गोल्डन लगेगा बट अंदर से कच्चा रहेगा, इस वजह से ध्यान दें। और स्टार्टिंग में मैं कोई स्पैचुला यूज़ नहीं कर रही हूँ, हल्का सा ध्यान से थोड़ा सा आप कढ़ाई को हिला दोगे ना तो वो ऑटोमेटिक वो पलट जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप स्पैचुला लगा दोगे तो कभी कभी ये फट भी जाता है। तो फिर जब ये हल्का सा गोल्डन हो चुका था, फिर हम लोगों ने स्पैचुला के हेल्प से हल्का सा साइड साइड कर दिया, तो जिससे ऑयल है वो उसके चारों साइड में लग जा रहा है, जिससे चारों तरफ से ये सिक जाएगा। तो एक बार ये हल्का गोल्डन हो जाने के बाद आप स्पैचुला का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अभी ये गोल्डन भी नहीं हुआ है तभी आप स्पैचुला यूज़ करोगे तो ये फट सकता है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो देख सकते हो कलर इसका कितना सुंदर आ रहा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम पका रहे हैं
और इसको इस तरीके से घुमाते रहना ताकि चारों साइड से ये अच्छे से पक जाए। और इसका कलर देख सकते हैं आप, कितना सुंदर कलर आया है इसका। और इसे हमें ध्यान देना है कि थोड़ा देर के लिए हमें छान लेना है, ऑयल हमारे रस में ना जाए, क्योंकि रस में चला जाता है ना तो फिर वो बाद में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है ऊपर। तो अच्छे तरीके से छान ले, छानने के बाद इस तरीके से चाशनी में ऐड करें। मैं और दिखा देती हूँ, ये गुलाब जामुन मैंने और इसे छान लिया है और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर इसे हम अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि चाशनी सारे गुलाब जामुन में इक्वली आ जाए। ये देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन को बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका कलर इतना सुंदर आया है। इसे हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे बादाम के, कद्दूकस किए हुए बादाम से हल्का सा, ये देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं आप, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।